सुबह के रूटीन में हम ऐसा क्या लगाएं जिससे हमारे फाइन लाइंस थोड़े कम हो जाएं, चेहरा ब्राइट हो, अगर चेहरे पे हाइपरपिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो वो कैसे सॉल्व हो। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी, नाउ अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। और आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपना अपडेटेड मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सारे ऑप्शंस अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए, मैं क्या यूज कर सकती हूँ, आप क्या यूज करना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं बनाती हूँ नई वीडियोस हफ्ते में 3 बार, संडेज, वेंसडेज एंड फ्राइडे। अब करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहला स्टेप आपके सुबह के स्किन केयर रूटीन का होता है कि आप चेहरे को वॉश करें एक क्लेंजर के साथ। अब टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे अलग अलग थ्योरीज हैं कि अगर आप सुबह आप अपना फेस वॉश करे बिना डायरेक्टली सनस्क्रीन लगा सकते हैं, डायरेक्टली अपना स्किन केयर कर सकते हैं, क्योंकि रात का स्किन केयर अब्सॉर्ब हो चुका होता है। मैं पहले भी बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, फेस वॉश करना एसेंशियल है, क्योंकि जब हम ब्रश करते हैं थोड़ी बहुत फोम जो हमारे चेहरे माउथ के अक्रॉस आ जाती है उसमें होता है बैक्टीरिया, जिससे हो सकता है डर्माटाइटिस। दूसरा लॉजिक है, अगर आप बाल वॉश करते हैं तो शैम्पू के साथ केमिकल्स, डर्ट, ग्राइम, हर चीज आपके बॉडी को लगते हुए उतरती है, तो भी आपका चेहरा गंदा हो जाता है। तो फेस वॉश करना एसेंशियल है। मेरा स्किन टाइप एज सम ऑफ यू नो इज ड्राई टू, इज कॉम्बिनेशन ड्राई बट ज्यादा ड्राई साइड पे है, तो मैं यूज करती हूँ एक जेंटल ऑयल बेस्ड क्लेंजर, ये है बायोडर्मा का। अगर आपकी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन है तो आप एक फोमिंग क्लेंजर यूज करेंगे। ये बायोडर्मा का क्लेंजर है जिसमें है ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड, ये ग्रेट है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। कोई भी क्लेंजर यूज कर सकते हैं, ये दो ऑप्शन है। हमेशा की तरह मैं ये बायोडर्मा का लगाऊंगी क्योंकि ये देखें काफी मैं यूज कर चुकी हूँ। दिस इज आइडियल फॉर पीपल हु हैव ड्राई स्किन, और अगर विंटर्स में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो डेफिनेटली क्लेंजर लाइक दिस, और एनी क्लेंजर जिसमें झाग ना बने, जो क्रीम बेस्ड हो, जैसे सेटोफेल में है, सेरामी में भी एक हाइड्रेटिंग क्लेंजर आता है, स्किन प्राउड में आता है राइज एंड डिफेंड, एनी क्लेंजर जिसमें झाग ना बने वो आप यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं फेस वॉश के साथ। चेहरा हो गया है क्लीन, ये है एक क्लीन कैनवस जिसपे आप अपना स्किन केयर रूटीन शुरू कर सकते हैं। एक सिंपल स्किन केयर रूटीन के 3 स्टेप होते हैं, क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज। तो अब आता है स्टेप नंबर 2, विच इज टोनर। इस रूटीन में, क्योंकि ये आपका मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है, अगर आप कोई भी ऐसा टोनर यूज करते हैं जिसमें है ग्लाइकोलिक एसिड जैसे पिक्सी का ग्लो टॉनिक, सैलिसिलिक एसिड जैसे ऑर्डिनरी या इंकी लिस्ट का टोनर, या फिर बहुत सारे ब्रांड्स में आता है ग्लो रेसिपी का टोनर, ये सारे टोनर्स आप अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के लिए रखेंगे। दिन में कोशिश करें कि एक्टिव्स आप ना यूज करें, डायरेक्ट एसिड्स आप ना यूज करें। टोनर एज सच एसेंशियल्स नहीं है स्किन केयर रूटीन का, इट इज नॉट एन एसेंशियल, बट अगर आप टोनर यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे एक हाइड्रेटिंग टोनर। मेरे पास है टोनर्स के ये 3 ऑप्शंस। ये राइस टोनर आप प्रीटी मच हर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में देख चुके हैं, ये एक हाइड्रेटिंग टोनर है। जो दूसरा बहुत ब्राइटनिंग टोनर है वो है अर्बोरियन का यूजा लोशन, ये ड्यूअल फेज है तो इसको हिला के लगाना होता है। और तीसरा जो मैंने अभी कुछ ही टाइम से यूज करना शुरू किया है वो है ये सम बाय मी का प्रोपोलिस टोनर। बिकॉज आई एम यूजिंग दिस एज माई मेन टोनर एंड आई एम लविंग इट, तो आज मैं यूज करूंगी सम बाय मी का प्रोपोलिस टोनर। टोनर लाइक आई सेड ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। टोनर को मैंने डायरेक्टली हाथों में लिया हूं और कुछ इस तरह से मैं इसे अपने चेहरे पे प्रेस करूंगी। कॉटन पैड पे हर टोनर लगाने की जरूरत नहीं होती, आप प्रोडक्ट वेस्ट कर रहे हैं। यू कैन जस्ट अबाउट यूज दिस कुछ इस तरह से, दैट इज इट। इस टोनर की एक बहुत खास बात है कि अगर आपके पास कोई और हाइड्रेटिंग सेरम नहीं है, कोई और ऐसी चीज नहीं है, मैंने इस पे इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाली थी, द 7-स्टेप कोरियन मेथड। आप टोनर को ही इन बिटवीन लेयर्स थोड़ा कुछ सेकंड का ब्रेक देके 5-6 बार अगर लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत हाइड्रेटिंग प्लम्प हो जाती है। ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं सिर्फ हाइड्रेटिंग टोनर्स के साथ, प्लीज किसी भी ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक एसिड, AHA, BHA बेस्ड टोनर के साथ ये टेक्निक यूज ना करें। बट अगर आपके पास एक हाइड्रेटिंग टोनर है कुछ इस तरह का, आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू दिस विद थिंग्स लाइक रोज वाटर और एनीथिंग दैट इज जेंटल ऑन योर स्किन। टोनर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अगेन सम पीपल विल कॉल इट ऑप्शनल और व्हाटएवर, इज यूजिंग, मैं जो यूज करना पसंद करती हूँ वो है हाइलुरोनिक एसिड सेरम या एक एसेंस। एंड अगर आप मुझे कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मैं रेकमेंड करती हूँ कॉस्ट्रेक्स का स्नेल म्यूसिन एसेंस, बिकॉज दैट इज अ 2-in-1 प्रोडक्ट।
कॉस्ट्रेक्स के स्नेल म्यूसिन एसेंस में है स्नेल म्यूसिन, जो आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, रिपेयर करता है, हील करता है, और है इसमें हाइलुरोनिक एसिड। तो दो प्रोडक्ट्स अलग अलग लगाने की जगह मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट लूंगी, दो पंप, तीन पंप, व्हाटएवर यू प्रिफर, जितना भी अमाउंट आप यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं, एंड फिर इसे अपने चेहरे पे और नेक पे, फोरहेड पे अच्छे से लगा लें। आईज के नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट बहुत जेंटल है, ये आपके चेहरे को इरिटेट नहीं करता। और अगर आपके पास कॉस्ट्रेक्स का स्नेल म्यूसिन एसेंस है, सो एक हेयर हैक आई विल हाईली रेकमेंड। इसके बारे में मैंने टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाई थी, काफी लोगों ने ट्राई किया एंड दे लव्ड इट, आई पर्सनली लव इट। क्लीन वॉश्ड बालों पे कॉस्ट्रेक्स स्नेल म्यूसिन लगाएं, उसके बाद बालों को नेचुरली ड्राई करें एंड यू विल हैव द सॉफ्टेस्ट हेयर एवर, आई प्रॉमिस। तो अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है तो हेयर हैक भी जरूर ट्राई करें। दिस इज डन। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, जो हमारे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन का ट्रीटमेंट है, वो है विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम हमेशा जाता है क्लीन ड्राई फेस पे। तो अगर आपने टोनर लगाया, हाइलुरोनिक एसिड लगाया या स्नेल म्यूसिन लगाया, आपका चेहरा थोड़ा डैम्प रहेगा, इसलिए आपको वेट करना है 2 से 3 मिनट। इट रियली डिपेंड्स ऑन योर स्किन कि कितनी जल्दी आपकी स्किन वो प्रोडक्ट को अब्सॉर्ब करती है, फिर आप लगाएंगे अपना विटामिन सी सीरम। मेरी स्किन अभी भी थोड़ी डैम्प है, तो मैं करूंगी थोड़ा सा इंतजार और फिर हम लगाएंगे विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम लगाने से पहले प्रो टिप, बहुत सारे लोगों को विटामिन सी सीरम सूट नहीं करता। आई हैव मेड अ फुल लेंथ वीडियो ऑन इट ऑलरेडी, बट इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि विटामिन सी सीरम जब आप शुरुआत में यूज करना शुरू करते हैं, अगर आपको एक आधा पिंपल आ गया, दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर आपको बहुत सारे पिंपल आ रहे हैं, स्किन पे एक्सेसिव पर्जिंग हो रही है, That is not normal. That means कि विटामिन सी सीरम आपको सूट नहीं कर रहा। So आपके पास alternatives हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। मैं करीबन 1-2 महीने से यूज कर रही हूँ CEO by Sunday Riley, ये है इनका 15% विटामिन सी सीरम। अगर आप विटामिन सी सीरम यूज करते हैं एंटी एजिंग के लिए, स्किन ब्राइटनेस के लिए, मिलाजमा हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, तो उसमें 15-20% ascorbic एसिड या किसी भी और फॉर्म ऑफ विटामिन सी की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको विटामिन सी सूट नहीं करता, तो आप यूज कर सकते हैं 2 से 3 और alternatives. पहला ऑल्टरनेटिव है नियासिनेमाइड। नियासिनेमाइड भी विटामिन सी के जैसे ही एक एंटीऑक्सीडेंट है। आपका दूसरा ऑल्टरनेटिव है रेसवेट्रॉल बाय द ऑर्डिनरी। इसमें है रेसवेट्रॉल 3% एंड फेरुलिक एसिड 3%, लाइटनिंग, ब्राइटनिंग एंड वेरी इफेक्टिव। और तीसरा जो अभी क्लोजेट में पड़ा है वो है EUK 134। तो आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव है अगर आपको विटामिन सी सूट नहीं करता। क्योंकि मुझे विटामिन सी सूट करता है, मैं लगाऊंगी विटामिन सी इस पॉइंट पे। और विटामिन सी आप लेंगे एक पंप, कुछ इतना पी साइज अमाउंट, जैसे मैं हमेशा कहती हूं, इसे आप करेंगे चेहरे पे डॉट। नेक को कभी मत भूलें, नेक बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आप इसको हल्के हाथों से कुछ इस तरह से अपने चेहरे पे स्मूथ ओवर करेंगे। To avoid irritation with vitamin C, ये हमेशा याद रखें कि vitamin C जाता है clean, dry चेहरे पे, यानी चेहरा पूरा सूखा होना चाहिए। And number 2, आप जब लगाएं vitamin C, under eye area, nose के sides और इस side को, mouth के edges को avoid करें, क्योंकि ये skin sensitive होती है सबकी, तो आपको vitamin C वहाँ irritate कर सकता है। तो ये लग गया हमारा vitamin C, quickly absorb हो गया skin पे। Now, इस point के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको नेक्स्ट क्या लगाना है, एंड वो डिपेंड करता है आपकी स्किन कंडीशन पे। अगर तो आप मेरे हाइपरपिगमेंटेशन, मेलास्मा, 2-टोन स्किन का कोई भी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आप लगाएंगे अल्फा आर्बुटिन सीरम। मेरे स्किन पे ना हाइपरपिगमेंटेशन है ना मेलास्मा है, लेकिन नेक पे मैं लगा के आपको दिखाऊंगी अल्फा आर्बुटिन सीरम। अल्फा आर्बुटिन सीरम एक्सट्रैक्ट है ब्लूबेरीज और पोमेग्रेनेट, यानी ब्लूबेरीज और अनार का नेचुरली डिराइव इंग्रेडिएंट है। हर ब्रांड में आपको मिल जाता है, बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स में भी आता है। मिनिमलिस्ट का फॉर्मूला बहुत अच्छा है, मेरे पास है अल्फा आर्बुटिन इंकी लिस्ट का, इसे भी, क्योंकि ये ट्रीटमेंट है। ये सारे सेरम्स ट्रीटमेंट्स होते हैं, मॉइस्चराइजर नहीं। तो हमेशा आप एक पी साइज अमाउंट लेंगे और अपने चेहरे पे लगाएंगे। मैं यहाँ नेक पे लगा रही हूँ क्योंकि चेहरे पे मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, चेहरे पे भी लगा सकती हूँ, इसका कोई बुरा इफेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट यू गोना डू, अप्लाई योर अल्फा आर्बुटिन सीरम।
जितने लोगों को क्वेश्चंस हैं कि पहले क्या आता है बाद में क्या आता है, तो विटामिन सी हमेशा पहले आता है, उसके बाद आप लगाएंगे अल्फा रूटीन सेरम। नाना करते हुए भी मैंने पूरे फेस पे लगा ही लिया है। सो दिस इज योर अल्फा रूटीन सेरम, ये लग गया। बहुत सारे लोगों को, स्पेसिफिकली लेडीज को इशू होता है कि कभी कभी हमारा स्किन केयर, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में पिल करता है, यानी अगर हमने ऐसे किया तो स्किन केयर हाथ में आता है। वो तब आता है जब आप बहुत सारा प्रोडक्ट लगा लेते हैं, या प्रोडक्ट लगाते टाइम आप लेयर्स में वेट नहीं करते। लेयर्स में कितना वेट करना है उसका कोई थंब रूल नहीं है, बिकॉज इट रियली डिपेंड्स कि आपकी स्किन कैसी है। हर इंसान की स्किन यूनिक होती है। इट रियली डिपेंड्स कि प्रोडक्ट आपके चेहरे पे अब्सॉर्ब हुआ है कि नहीं, तो वो आप पता कर सकते हैं बाय जस्ट टचिंग योर फेस एंड नोइंग वेदर इट्स अब्सॉर्ब्ड और नॉट। क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मेरी स्किन पे थोड़ा ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं। सो विटामिन सी, अल्फा अरबुटीन, ये हैं आपके दो मेन ट्रीटमेंट्स सुबह के रूटीन में। आप चाहे तो टोनर स्किप कर सकते हैं, आप चाहे तो स्नेल म्यूसिन स्किप कर सकते हैं, पर ये दो प्रोडक्ट्स आपको लगाने हैं। अगर आपके चेहरे पे हाइपरपिगमेंटेशन, मेलास्मा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक एंटी एजिंग ब्राइटनिंग रूटीन चाहते हैं, तो विटामिन सी या उसके ऑल्टरनेटिव्स लगाएं। और अगर आपके चेहरे पे हाइपरपिगमेंटेशन, मेलास्मा, एक्ने के मार्क्स, कोई भी डार्क स्पॉट्स है, तो अल्फा अरबुटीन जरूर लगाएं। ट्रीटमेंट्स लगाने के बाद एक ऑप्शनल स्टेप जो मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ वो है आई क्रीम। अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, हल्के हल्के रिंकल्स हैं, तो बूथ नंबर 7 की ये ब्राइटनिंग आई क्रीम असेंशियल है। अगर आपको आपके कंट्री में बूट्स नंबर 7, जो बूट्स फार्मेसी का ब्रांड है, नहीं मिलता, तो आपके ऑप्शंस हैं ओले हेंड्रिक्सन, जो सिफोरा में मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं कील्स की डार्क सर्कल करेक्टिंग आई क्रीम, जो आपको कील्स के स्टोर में मिलती है। आप रेवोल्यूशन स्किन केयर की आई क्रीम भी यूज कर सकते हैं। मैं बूट्स की आई क्रीम लगाऊंगी। दिन के टाइम में ये असेंशियल है कि आप रेटिनॉल बेस्ड आई क्रीम्स ना लगाएं, बिकॉज रेटिनॉल दिन में नहीं लगाते। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ अपनी, जो ऑलमोस्ट खत्म है, पर मेरे पास एक बैकअप हमेशा होता है इस क्रीम का। आई लव इट सो मच दैट इसका मैं एक बैकअप हमेशा रखती हूँ। एंड यूजुअली अगर आप यूएई या जीसीसी कंट्रीज में रहते हैं, बूट्स की बहुत अमेजिंग सेल्स होती हैं, स्पेशली जब उनका बाय टू गेट वन होता है, दैट इज़ व्हेन आई लाइक टू स्टॉक अप ऑन दीज प्रोडक्ट्स। सो आई क्रीम लगा ली इस तरह। यहां भी एक प्रोटिप मैं देना चाहती हूं जो मैंने पहले कभी नहीं दिया है, क्योंकि मुझे इस टिप के बारे में पता ही नहीं था। सो एज यू कैन सी, आई रिसेंटली गॉट मैरिड, एंड मुझे मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने ये बताया था कि शादी के दिन और बाकी फंक्शंस पे जब उन्होंने मेरा मेकअप किया, शी सेड दैट आप अपना स्किन केयर नहीं करेंगी, मैं आपका स्किन केयर करूंगी, बिकॉज अगर आपने ज्यादा प्रोडक्ट लगा लिया तो मेकअप ठहरेगा नहीं। सो ऑब्वियसली आई लिसन टू हर, आई लेट हर डू माई स्किन केयर। एक चीज जो उन्होंने मुझे बताई थी कि आई क्रीम हमेशा नीचे लगाएं, ऊपर मत लगाएं, स्पेशली अगर आपको हैवी आई मेकअप करना है, अदरवाइज कोई भी प्राइमर विल नॉट लेट योर आई शैडो स्टे। एंड आई लिसन टू हर एंड इट वर्क्स। हैविंग सेड दैट, दिन में मैं इतना कोई हैवी मेकअप करती नहीं हूँ और मुझे अपना स्किन केयर बहुत प्यारा है, तो मैं तो ऊपर नीचे लगाती हूँ। बट इन केस लेडीज यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ हैवी आई मेकअप लुक, दिस इज अ टिप दैट वर्क्स। ऊपर आई क्रीम मत लगाएं, सिर्फ नीचे लगाएं। मैंने ऊपर नीचे लगाया है बिकॉज दैट इज जस्ट मी। सो आई क्रीम लगा लिया है, दैट नाउ फाइनली एंड्स ऑल योर ट्रीटमेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप आता है मॉइस्चराइजर, और इस पर बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, बिकॉज समटाइम्स आई जस्ट यूज अ सनस्क्रीन, समटाइम्स आई यूज अ सेरम एंड आई यूज अ मॉइस्चराइजर एंड आई यूज अ सनस्क्रीन। सो एवरीबडी आस्क्स मी व्हाट इज द राइट वे, एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द राइट वे। सो द राइट वे इज द वे दैट वर्क्स फॉर यू। नाउ यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लिसन टू योर स्किन, बिकॉज योर स्किन इज अ लिविंग ऑर्गन, राइट? एंड हर लिविंग चीज टाइम मौसम उस हिसाब से चेंज होती है। सो अगर इस पॉइंट के बाद आपको लगता है आपका चेहरा वेल हाइड्रेटेड है, तो डायरेक्टली अपना सनस्क्रीन लगाएं। अगर तो आपकी स्किन ऑयली है, राइट, तो डेफिनेटली क्रीम मत लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, तो आप एक मॉइस्चराइजर लगाएंगे, फिर लगाएंगे सनस्क्रीन। आज मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई फील कर रही है, इसलिए मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर। और जो मॉइस्चराइजर मैं यूज कर रही हूँ वो भी है संबाइनी का प्रोपोलिस B5। जिस ब्रांड, जिस लाइन का टोनर था, उसी लाइन का मैंने क्रीम भी लगाना है। इट्स अ जेल बेस्ड फॉर्मूला, इट कैन ऑल्सो वर्क फॉर पीपल विद ऑयली स्किन। इट इज वेरी लाइट वेट, वेरी वेरी हाइड्रेटिंग। एज यू कैन सी, आई फिनिश्ड क्वाइट अ बिट ऑफ दिस जार, सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस राइट नाउ ऑन माय फेस एंड माय नेक। नेवर फॉरगेट द नेक। एंड टू इंश्योर कि इसके बाद सनस्क्रीन लगा के आपको पिलिंग ना हो,
आपको मेक श्योर करना है कि आपका मॉइस्चराइजर, लोशन, वट एवर यू आर यूजिंग, यू मसाज इट रियली वेल. मेक श्योर कि ये पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए आपके स्किन में, और उसके बाद ही आप लगाएंगे अपना सनस्क्रीन. टाइम फॉर सनस्क्रीन, मैं यूज कर रही हूं ब्यूटी ऑफ जोसन. दिस इज माय सेकंड ट्यूब, एंड इफ यू फॉलोड माय सनस्क्रीन रिव्यू वीडियोस, आई टोल्ड यू दैट दिस माइट जस्ट बिकम माय फेवरेट सनस्क्रीन, एंड आई थिंक इट जस्ट हैज. थ्री फिंगर्स फुल ऑफ सनस्क्रीन इज वॉट यू नीड फॉर योर एंटायर फेस एंड नेक. एक और जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि आंखों के नीचे ऊपर सनस्क्रीन लगाना है या नहीं, बिल्कुल लगाना है. सो जस्ट लाइक हाउ यू अप्लाई योर आई क्रीम बिहाइंड योर नेक, योर डेक्लोटे, एक्सपोज एरिया पे आप सनस्क्रीन जरूर लगाएंगे. Massage it on till it is completely absorbed. And if you're a woman, after this you can go ahead do your makeup. I go to work and I do a full face of makeup. And if you know, my full face of makeup is not too many products, but it is my full face of makeup that I do after this routine. If you're a man, then you don't possibly are using makeup, so aap set hai and you can just go ahead and start your day. So this is the morning skincare routine which will take care of your fine lines, wrinkles. It will brighten your skin, I promise. और अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं कि आपका मेलाज्मा या हाइपरपिगमेंटेशन का रूटीन कैसा होना चाहिए, तो उसका भी स्टेप बाय स्टेप मॉर्निंग रूटीन मैंने दिखाया है एक अलग वीडियो में, जो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी. एज यूजुअल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई हैव टू अपोलोजाइज, मेरा एक हफ्ता मिस हो गया बिकॉज ऑफ द वेडिंग. प्लान मेरे बहुत थे कि मैं बैक शूट करके रखूंगी, वीडियोज प्री प्लान होंगी, बट As you all know, sometimes that doesn't happen. But thank you so much for sticking around. And a big thank you to all those people who checked on me in the comment section as to why I'm not posting any new videos. So now you all know that was the reason. But today is Wednesday and I will be back to my normal routine. Stay tuned for more videos, more skincare. Don't forget to subscribe, ring the notification bell. Take great care of yourself. Bye.